उत्तर प्रदेश में आज कई लोगों के पास विदेशी नंबर से कॉल आई। बताया जा रहा है कि इस कॉल में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। 15 अगस्त से पहले इस तरह की कॉल आने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शरारती तत्वों ने सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये पूरी साजिश रची। इस पूरे मामले में पुलिस ने फिलहाल हजरतगंज कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कॉल आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। अब तक सैकड़ों लोगों के पास इंटरनेट कॉलिंग के जरिए ये कॉल आ चुकी है। कॉल आने के बाद परेशान लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि ये सभी कॉल इंटरनेट के जरिए की जा रही हैं और वॉइस मैसेज लोगों को भेजे जा रहे हैं। ये कॉल लखनऊ में काम करने वाले कई पत्रकारों और उनके सहयोगियों के मोबाइल पर भी की गई। इस कॉल में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण दिया गया। कुछ पत्रकारों ने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली और इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया। लोगों को लगातार अज्ञात नंबरों से फोन आ रहे हैं। कॉल देखने के बाद प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये कॉल विदेश से आई है। कॉल में स्वतंत्रता दिवस को लेकर और देश की एकता और अखंडता के संबंध में बहुत ही अनर्गल टिप्पणी की जा रही है। फिलहाल इस मामले में हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की जा चुकी है और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। आज सुबह से लखनऊ के कुछ मीडिया बंधुओं को एवं अन्य लोगों को भी एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से कुछ अज्ञात नंबरों से देश के इंडिपेंडेंस डे के संबंध में एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के अगेंस्ट मैसेजेस भेजे जा रहे हैं इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस मामले में थाना हजरतगंज लखनऊ में FIR दर्ज की जा रही है एवं जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी।